सभी दोस्तों को उपेंद्र पांडे बाबा पांडे का नमस्कार प्रणाम। इस ब्लॉग को देखने वाले सभी प्रेमियों को ये दूसरा ब्लॉग का बाबा पांडे का नमस्कार। आप तो जानते हैं कि हमारे ब्लॉग का नाम है महाकाल ग्रुप एंड ब्लॉग। इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले आपको मैं गौ लक्ष्मी का मैं बहुत ही शुरू से ही भक्त हूं और ये गौ लक्ष्मी का मैं आप लोग को भी दर्शन करा देता हूं। जय माँ गौ। यहाँ पे आया हूं झरना पे और यहाँ पे बजरंग दल का मीटिंग लगी हुई है। ये देखिए विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्तागण बजरंग दल की मीटिंग में शामिल हैं। संगठन के लिए मैं भी यहाँ पे मीटिंग में उपस्थित हूँ। भारतीय ब्राह्मण सभा का बैठक में एक ब्राह्मण प्रामुख प्रमंडल के अध्यक्ष अजय तिवारी जी के साथ जुलूस है। अब मैं बाजार की ओर चलता हूं। आज रविवार का दिन है, आज यहां का बाज़ार लगता है। अब मैं बाज़ार की ओर जा रहा हूं। अब बाज़ार जाने के बाद आप लोगों को भी बाज़ार कराऊंगा, तरह तरह की चीज़ें देखिए कि बाज़ार। आइए बाज़ार में पहुंच गया हूं। ये जलेबी बनता हुआ, आहा मुंह में लार आ गया। जलेबी और सारी मिठाइयां ये देखिए, ये देखिए, ये भजिया बनता हुआ बाज़ार में। बाजार में तरह तरह के सामान बिकता हुआ नजर आ रहा, बहुत सारी भीड़ का मेन गेट यानी दरवाजा। और बस में बैठकर अपने घर की ओर जाता हुआ, बताया था कि मैं बाज़ार गया था और बस में ही था तो बाज़ार से आया। जैसे ही घर पहुंचा तो लाइट भी कट गई, तो अब चलता हूं घर के भीतर। आज रविवार का दिन है, आज हम सभी दोनों भाई के फैमिली परिवार बगल के हमारे पार्षद वगैरह भी हैं, उन सभी ने लिट्टी चोखा का, और 25 दिसंबर भी है तो सभी लोगों ने आज हम लोगों ने सोचा कि आज लिट्टी चोखा का ही प्रोग्राम बनाया जाए। जानते हैं लिट्टी चोखा कैसे बनती है? आइए भीतर चलते हैं, आपको बताते हैं। सब हमारे घर के फैमिली वगैरह परिवार वगैरह लगे हुए हैं। मैं अभी तुरंत सभी मसालों को मिला के ही आ रहा हूँ क्योंकि मैं भी लिट्टी चोखा का फेवरेट पसंद करता हूं। और बिहार के कम से कम जितने भी दर्शक भाई लोग हैं और अदर राज्य के भी सभी लोग लिट्टी चोखा का ज़्यादा प्रेमी करते हैं। ठंडी के दिनों में भी लिट्टी चोखा अच्छा लगता है। इसमें ये देखिए, ये हमारी भाभी जी हैं, थोड़ा सा पहले पास में ही रहते थे मगर अभी थोड़ा सा दूर में अपने नया घर बनाए हुए हैं। ये हमारे भतीजी है और ये हमारी धर्म पत्नी जी हैं और ये भी हमारी चाची जी हैं। हाँ, आज एक थोड़ा और दिखाता हूँ लिट्टी चोखा का बड़ा प्रेमी एक ठो। यहाँ देखिए टुन, ये देखो एक हमारा ये छोटा सा चुन चुन। उठो बेटा उठो, ये भी लिट्टी चोखा बनाने में बिजी है लग रहा। उठ जा बेटा, ठंडा लग जाएगा। हाँ, सातू इसको नहीं दिए हैं तो गोसा के उधर गई है। अरे हमारे भाभी जी हैं, अपने इनकी नातिनी है, इन्हीं को देखते हुए लाइट कटा हुआ है तो कहीं इधर उधर ना जाए। छोटे बच्चे शरारती करते ही हैं। ये देखिए लिट्टी चोखा गोला बन रहा, ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये लहसुन प्याज मिर्चा अदरक धनिया पत्ती मंगरेला अजवाइन नींबू सरसों का तेल ये सब मिला कर मिक्स करके इसके भीतर में, और सत्तू, ये चना का स्पेशल सत्तू रहता है, इसको मिक्स करके इसके भीतर में डाला जाता है। ये देखिए हमारे भाभी जी कह रही हैं कि इसमें मिलावट भी रहता है। हाँ, मिलावट वाला रहता है सत्तू, खेसारी वो अच्छा नहीं लगता है। ये चना का स्पेशल सत्तू खाने में भी अच्छा लगता है, तो ये पूरा चना का स्पेशल ही सत्तू है। ये आटा है, आटा को भूज के इसके भीतर में डाला जाएगा। ये देखिए भाभी जी हमारी गोल गोल पार्षद भी हैं,
और ये गूथ रही है, ये देखिए, ये इसमें इसको ऐसे डालें और करके पूरा गोला करने में लगे हैं, कहीं किसी तरह का कुछ कमी ना हो जाए। ऐसे रख दी। अब यहाँ पे चोखा का भी व्यवस्था बन रहा, टमाटर, बैंगन, अभी लहसुन, अदरक, ये सब चोखा में डाला जाएगा। तो लिट्टी चोखा, जैसे कि लिट्टी है चोखा, इसमें आलू भी है, आलू जलेगा, अभी कंडे का। अब यहाँ पे देखिए आग, कंडे का पूरा अभी जल रहा, पूरा ये पूरा पूरी तरह से जब ये जल जाएगा, इसके आग बुझ जाएंगे, तब जो जो वहाँ पे रखा हुआ है गोला गोला बनाकर आटा और सत्तू के साथ मिक्स, इसमें डालकर पकाएंगे, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पकता है। चलिए दिखाता हूँ आपको मैं कि किस टाइप का लिट्टी चोखा को कंडे की आग में पकाया जा रहा। आइए ये देखिए, ये पूरा गोला गोला को आधा पक्का टाइप का इसमें पकाएंगे, फिर अलग अलग करेंगे। और ये आपको पहले भी दिखाया था कि ये बैगन वगैरह यहाँ पे पक रहे हैं, उस समय जिस समय दिखाया था उस समय पके नहीं थे, देखिए आधा पक गया है। ये सब बैगन है, टमाटर, उधर आलू को उबाल लिए हैं, उबाल भी सकते हैं, इसमें भी आप पका सकते हैं। ये लिट्टी अभी 50% पक चुका है, पूरा 50%। अब लिट्टी चोखा करीब करीब कंप्लीट हो चुका है और खाने के लिए सब बैठ गए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे भतीजा लोग लिट्टी चोखा बैठकर आनंद ले रहे हैं। लिट्टी चोखा का कैसा लग रहा है? लिट्टी चोखा एक नंबर का, ठीक है। तेरे को कैसा लग रहा? अच्छा, झकास झकास, चलो अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटा एक भतीजा है, यही बहुत एकदम अपने आप को एकदम कपिल देव से कम नहीं समझता, वेरी फास्ट बॉलर लग रहा छोटी लिट्टी, बहुत अच्छा। एक मिनट का गुल्लू, ये मेरी छोटी लड़की है गुल्लू, लिया पांडे इसका नाम है। कैसा लग रहा है गुल्लू? लिट्टी चोखा प्यार से गुल्लू कहता हूँ, है अच्छा लग रहा। ये मेरी पत्नी है, सबको भी खाना वाना सबको दे रही है, अब हम लोग लास्ट में खाएंगे। सबसे पहले पूछना चाहिए कि कैसा लग रहा है। ये हमारी भाभी जी हैं, ये वार्ड पार्षद मेंबर भी हैं, ये निकाल रही हैं लिट्टी चोखा सबको खिलाने के लिए। अब भीतर में ये देखिए, आइए मैं चलता हूँ। कैसा लगा परचेस लिट्टी चोखा? एक नंबर फर्स्ट क्लास बना है यार, एक नंबर फर्स्ट क्लास बना है। हाँ, इस पर एक शायर है, हाँ? यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा, हाँ? अरे आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ चुका। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आइए मेरे बड़े भाई साहब, कैसा लगा अभी लिट्टी चोखा? बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए ना। लिट्टी चोखा सभी को करीब करीब अच्छा लगा। अब हम लोग भी लिट्टी चोखा खाकर सोने का ही व्यवस्था देखते हैं। तो आज हैप्पी क्रिसमस डे भी है, तो महाकाल ग्रुप के सभी मेंबर की तरफ से हैप्पी क्रिसमस डे। और 25 दिसंबर से ऐसे किताबों में लिखा है कि 25 दिसंबर से तिल तिल भर दिन बड़े होते जाते हैं। तो हैप्पी क्रिसमस डे। आज हम लोग का लिट्टी चोखा था, सवेरे से आपको मैं मिला था इसी चैनल में, अब हमें अलविदा कहने का समय आ चुका। तो सभी दर्शक बंधुओं को शुभ रात्रि, उपेंद्र पांडे उर्फ बाबा पांडे की तरफ से। फिर अगले ब्लॉक में हम फिर उपस्थित होंगे आपके सामने। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।